वेलकम वेलकम वेलकम, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो जानन इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 72 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। हेलो माय डियर फ्रेंड, हैविंग गुडली गुड गम्सन, हैविंग गुडली इम्प्रेसिव इम्प्रेशन, जानन इंग्लिश हैज कम अगेन अमिड्स यू विद योर फेवरेट शो जानन इंग्लिश वर्ड्स गिमिक। Please have a look on today's situation. Situation as follows: a reappraisal of Punjab government's objective, not by catching Amritpal. Punjab police savors the comfort despite being non-political. AAP means AAP compelled me to say they are kind and credulous to Amritpal, while Arvind Kejriwal advocates against terrorist. चलिए आज का ये situation पंजाब और वहाँ का government पे आधारित, जो कि आप अभी चर्चे का विषय है, खास करके अमृतपाल, तो इस पे आधारित ये सिचुएशन है। चलिए इसमें जितना भी हम लोग वर्ड यूज किए हैं उसको शुरुआत करते हैं, डिलिनेट करते हैं उस सिंपल एग्जांपल। और आज का पहला वर्ड ये रहा, दिस इज रीअप्रेजल। रीअप्रेजल देखिए, आर आई री हो गया, आर के नीचे लकीर है, इसको मतलब जोर से बोलना, सॉफ्टली बोलना होगा, और आई के आगे दो बिंदी है, मीन्स की दीर्घ, मीन्स लंबा करके बोलना होगा। री ई जब उल्टा लिखा दैट इज अ, तो हो गया री अ। अब पी आर ई प्र, पी पे देखिए लकीर है, मीन्स पी पे जोर देना होगा, और ई आई होता है ए, या जेड होता है ज, ज घर्षण के साथ बोलेंगे, मीन्स टंग को नीचे वाले दांत के पीछे चिपका के घर्षण के साथ हवा निकालें, ज ज ज। और ई जब उल्टा लिखा था दैट इज अ, तो पढ़ेंगे रीअप्रेजल। रीअप्रेजल, रीअप्रेजल, दिस इज अ नॉन कंटेबल, और ये अनकंटेबल भी है। एनालाइजिंग द एंड इवेल्युएटिंग, जजिंग एंड एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग, इसका अर्थ होता है एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग, जजिंग एंड एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग, मतलब किसी को जज करना, इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, उसी को हम बोलेंगे रीअप्रेजल। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, ए री अप्रेजल ऑफ योर इम्प्रूवमेंट इज नेसेसरी, मैंने आपका जो डेवलपमेंट जो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं बोला ए री अप्रेजल ऑफ योर इम्प्रूवमेंट इज नेसेसरी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑल स्टूडेंट्स ऑफ जानन इंग्लिश हैव ए फंडामेंटल री अप्रेजल ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली इन इंग्लिश, मैं ये कहना है कि जो जानन इंग्लिश में आएगा उसका तो फंडामेंटल राइट ही है, और ये 100% गारंटी के साथ इवेल्युएट किया जाता है, और 100% गारंटी के साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी बोला जाता है यहाँ पे आकर के जानन इंग्लिश में। एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, दिस इज जानन इंग्लिश रिक्वेस्ट You all for reappraisal for the teaching style of our methodology. मेरा ये कहना है कि जानन इंग्लिश का ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों से आग्रह है कि हम लोग का जो ये टीचिंग मेथोडोलॉजी जो हम लोग अपनाते हैं, जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, उसको आप मूल्यांकन कीजिए, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, जो कुछ भी जिसको बोलेंगे मूल्यांकन करना, फीडबैक करना, दैट इज। और आज का सेकंड वर्ड ये रहा, दिस इज ऑब्जेक्टिव। अब जाओ ऑब्जेक्टिव, देखिए ई जब उल्टा लिखा दैट इज अ, तो अब डी और साथ में थ्री जैसा जो आता है तो हो गया जो, और डी से पहले देखिए ऊपर लकीर है, इसका मतलब जोर से बोलना होगा, ई मीन्स होता है ए, और टी आई वी ट्यू, तो भी हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये हो गया ऑब्जेक्टिव, ये इसका ये होता है नॉन, इसका अर्थ होता है प्लानिंग टू डू समथिंग या अटेन समथिंग, मैंने जो आप कुछ प्लान कर लिए कुछ करने के लिए, वो कुछ या प्राप्त करने के लिए जो चाहता है उसके लिए आप प्लान कर लिए हैं, उसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव ऑफ जानन इंग्लिश टू मेक फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश, मैंने जानन इंग्लिश का एक और केवल एक उद्देश्य है कि आप लोगों को धारा प्रवाह अंग्रेजी बुलवा रहा। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, टू कम इन पावर एनी हाउ इन द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल पार्टी, मेरा ये कहना है कि रीजनल पार्टी का केवल एक और एक ही मोटिव रहता है कि किसी तरह हम सत्ता में आ जाए, पावर में आ जाए, तो वही मैं कहना था एग्जांपल से। और जब ये एडजेक्टिव होता है इसका अर्थ होता है बेस्ड ऑन फैक्ट इंस्टेड ऑफ अदर पर्सनल बिलीफ, मैंने जो आप देखते हैं जो आपको लगता है उसके आधार पे आप यदि कोई डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उसी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, नहीं कि कोई दूसरा आदमी बोला तो उस पे हम जाएंगे। एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल, ऑल शुड लर्न संस्कृत, इट इज माय ऑब्जेक्टिव डिसीजन, मेरा ये कहना है कि सबको संस्कृत सीखना चाहिए, ये मेरा अपना जो अभी का हालात है देख करके मेरा ये अपना डिसीजन है, न कि मैं आदमी जो कोई मुझे बोला तो मैं वो लागू कर दिया। नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस शो दैट इज सही वर्ड, सही वर्ड, देखिए एस एस के ऊपर लकीर है, मतलब इसमें जोर देना होगा, ई हमें होता है ए, और ई जब उल्टा लिखा हुआ दैट इज अ, और उसके चिपक के एक लकीर है दैट इज र, तो ये हो गया सही वर्ड।
सेवर का अर्थ होता है ये भर्ब होता है, इसका अर्थ हुआ एंजॉय एज मच एज पॉसिबल, मतलब खूब आनंद लीजिए, खूब प्रसन्नचित रहिए, उसी को हम बोलेंगे सेवर। एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल, मेनी स्टूडेंट सेवर द वे ऑफ टीचिंग। मेरा ये कहना है कि बहुत सारा स्टूडेंट जो है हम लोग का खास करके जो टीचिंग स्टाइल है उसको बहुत आनंदित होता है, बहुत खुशी मनाता है इस पे। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड एज क्विक एज यू कैन प्लीज बी अ पार्ट ऑफ डैन इंग्लिश एंड सेवर द मोमेंट। मेरा ये कहना है कि जितना जल्दी हो सके डैन इंग्लिश का पार्ट बनिए, उसका सहभाग बनिए, उसमें इनरोल कराइए और जो आपका ये क्षण है उसमें खूब एंजॉयमेंट एंजॉय कीजिए। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ डैन इंग्लिश नॉट टू स्पीक ऑफ गुड स्टूडेंट्स इवन अ वीक स्टूडेंट सेवर अ लॉट। मेरा ये कहना है कि डैन इंग्लिश के तत्वावधान में यदि आप कोई भी पढ़ता है तो अच्छे स्टूडेंट का क्या कहना, जो बुरे से बुरे जो कमजोर से कमजोर भी स्टूडेंट हो वो भी बहुत ही एंजॉय करता है और धारा पर अंग्रेजी बोलने लगता है, उसी को हम बोले इस ढंग से। और आज का फोर्थ वर्ड ये रहा, दैट इज डिस्पाइट, डिस्पाइट डी आई डी और एस के ऊपर लकीर एस मतलब जोर देना होगा, ए आई मीन्स आई, despite means होता है preposition in spite of, means के बावजूद, के बावजूद जब करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जाम्पल, despite going there I couldn't meet my mother, मतलब वहाँ जाने के बावजूद मैं अपने माँ से नहीं मिल सका, उसको जब बोलेंगे ढंग से बोलेंगे। एंड सेकंड एग्जाम्पल इज he enjoys life despite being poor, मेरा ये कहना है कि वो जिंदगी को बहुत ही आनंदित महसूस करता है, जिंदगी को बहुत enjoy कर रहा है जबकि वो गरीब है। एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, दिस इज राम वेंट दिल्ली डिस्पाइट स्टॉर्मी वेदर। मेरा ये कहना है कि वो दिल्ली फिर भी चला गया, राम जो है दिल्ली फिर भी चला गया जबकि जो मौसम बहुत ही खराब था, बहुत ही तूफान है, फिर भी वो दिल्ली चला गया, उसको बोलेंगे तो इस ढंग से यूज करेंगे। और आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा, दैट इज कंपेल, कंपेल देखिए के ई उल्टा लिखा, दैट इज आ तो कम और पी के ऊपर लगे मिस पी पे जोर देना होगा, ई मिस होता है ए तो हो गया कंपेल, दिस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू प्रेशराइज समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को आप दबाव बढ़ाना कि नहीं ये काम करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, किसी के फोर्स में प्रेशर में दबाव में, उसी को हम बोलेंगे कंपेल। एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल, डैन इंग्लिश कंपेल यू टू स्पीक इंग्लिश, मैंने डैन इंग्लिश का आप लोगों को प्रेशराइज करता है कि अंग्रेजी बोलिए, धारा प्रवाह बोलिए। एंड सेकंड एग्जांपल इज स्वाति वाज कंपेल टू राइट, मैंने स्वाति को कंपेल किया गया, मजबूर किया गया, प्रेशराइज किया गया, तुमको लिखना ही पड़ेगा। एंड थर्ड एग्जांपल इज कंपेलिंग एनीवन टू डू एनीथिंग इज नॉट गुड एट ऑल, मैंने किसी को दबाव भरा कर कुछ करने के लिए जैसे दबाव भराते ये हमारे हम लोग के दृष्टिकोण से ये अच्छी बात नहीं है, उसी को मैं बोला कंपेलिंग एनीवन टू डू एनीथिंग इज नॉट गुड एट ऑल। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस वर्ड दैट इज काइंड, दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हेल्पफुल एंड जेनरस, जो बहुत दयालु किस्म का जो आदमी रहता है उसी को बोलेंगे काइंड, जब ये एडजेक्टिव होता है, जब ये नॉन होगा तो टैप्स, डिफरेंट टैप्स, मैंने एक ही ग्रुप का अलग अलग जो प्रकार होता है उसी को बोलेंगे और ए आई मीन्स होता है आई, तो ये हो गया काइंड। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला जब ये एडजेक्टिव है सी इज वेरी काइंड पर्सन, वो बहुत दयालु आदमी है। एंड सेकंड एग्जांपल इज बी ए काइंड ह्यूमन बीइंग, माने आप दयालु आदमी बनिए, अच्छा आदमी बनिए, थोड़ा दान पुण्य कीजिए, दूसरे को भी देखिए, तो उसी को बोलेंगे काइंड एंड जनरस। एंड थर्ड एग्जांपल जब ये नॉन होता है ये टैप्स हो गया, एग्जांपल से दीजिए देयर आर फोर टैप्स ऑफ सॉइल, यदि बोलेंगे माने चार प्रकार का यदि सॉइल यदि होता है उसको यदि आप बोलेंगे तो इस ढंग से बोलेंगे, वहां पे भी हम काइंड का यूज करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड, आवर नेम, आवर फेम एंड आवर इनकम, दीज ऑल आर सेकेंडरी, योर फ्लुएंसी, योर स्पीड, योर राइटिंग एंड योर स्पीकिंग indeed paramount, these are said by us generally from the bottom of our heart, you are being said, avoid having poles apart, 100% you can learn English, no one can stop you, even you can't stop yourself from speaking English, please be the part of Dan on English. चलिए आज का next word ये रहा, my dear friend this is a credulous, K के ऊपर लगे K पे जोर देना होगा और D और G three जैसा जब आता है तो जो होता है तो credulous और E जब उल्टा लिखा होता है that is जो और फिर देखिए दोबारा लिखा हुआ है E तो ये हो गया credulous, this is adjective, credulous ये होता है adjective, मैंने too willing to believe, मैंने किसी पे आप विश्वास करना, विश्वास करने योग होगा, उसी को हम बोलेंगे credulous। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जाम्पल ड्यू टू credulous अप्रोच ऑल स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इजिली इन डैन इंग्लिश, मैंने ये कहना है कि डैन इंग्लिश का जो अप्रोच है सबको विश्वास होता है कि यहाँ पे आकर के 100% गारंटी के साथ में अंग्रेजी बोलेंगे, तो वही मैं बोला ड्यू टू credulous अप्रोच ऑफ ऑल स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इजिली इन डैन। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, दिस इज आई एम वेरी क्रेडिबल फ्रॉम द credulous,
आई एम वेरी क्रेडिबल फॉर कैडुलस, मैंने हम लोग बहुत मैंने विश्वास करते हैं और 100% और जो मेरा विश्वास है समाज में उसे मैं भी क्रेडिबल अपने को महसूस करता हूँ, यही बोला आई एम वेरी क्रेडिबल फ्रॉम कैडुलस। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज इन ए क्रेडुलस सिस्टम एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड, मैंने जहाँ पे आपको विश्वास करने के योग लगता है, यदि जो प्रधान है वो उसमें यदि आपको विश्वास होता है, लगता है कि सब कुछ जो होगा वो सब कुछ अच्छा ही होगा, सबको आप कंसिडर कर सकते हैं, जो बोलते हैं उसको भी आप मंजूर कर लेते हैं, इसलिए मैं बोला इन ए कैजुअलस सिस्टम एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड। और आज का नेक्स्ट एंड फाइनल वर्ड ये रहा, दिस इज एडवोकेट, एडवोकेट दिस इज ए ई जब साथ में आता है ए और ई जब उल्टा लिखा था दिस अ और ई होता है ए, तो ये हो गया एडवोकेट, दिस इज अ वर्ब, इसका अर्थ होता है टू सपोर्ट और सजेस्ट पब्लिकली, मैंने किसी चीज को स्टेटमेंट को आप पब्लिकली जो बोलते हैं और उसको कोई आइडिया है उसको आप बोलते हैं कि हाँ उसको सहमति देते सपोर्ट करते हैं उसी को बोलेंगे हम एडवोकेट। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए अटल बिहारी वाजपेयी एडवोकेटेड द जीएसटी, मैंने जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उसी समय जीएसटी को एडवोकेट किए थे, सपोर्ट किए थे। एंड सेकंड एग्जाम्पल इज नो मोर नाउ मोदी जी कैन एडवोकेट इन फेवर ऑफ बैड एनिमल्स, मैंने ये कहना है कि मोदी जी थोड़ा भी तनिक भी मैंने बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भी गलत आदमी का, जो गलत आदमी है जो गलत बिहेव करता है उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज एडवोकेटिंग इन द फेवर ऑफ क्रीड एंड कास्ट नॉट फॉर आवर सोसाइटी, मेरा ये कहना है कि यदि आप एडवोकेट करते हैं जस्टिफाई करते हैं सपोर्ट करते हैं जात धर्म पंथ इस सबको यदि सपोर्ट करते हैं तो अपने समाज परिवार और देश के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। Throw caution to the wind, nothing will be will-o-the-wisp, pay heed on what is said by Diana in English. 100% you can speak just like a native speaker, my dear friend. चलिए जितना भी इसमें word, idiom and phrase था मैं पूरा explain कर दिया with simple example without any further delay, एक बार फिर से situation पढ़ देता हूँ। और ये appraisal of Punjab government's objective not by catching Amritpal, Punjab police savors the comfort despite being non-political have compelled me to say they are kind and credulous to Amritpal while Arvind Kejriwal advocates against terrorists. मुझे आशा है कि आपको ये सो अच्छा लगता हो, यदि अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक इट सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, तब तक के लिए बाय बाय।